मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का आवंटन होने के बाद कार्यभार संभालने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज मंत्रालय में विधिवत पूजा अर्चना के बाद अपना पदभार संभाल लिया है। इस बीच उन्होंने मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। भोपाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट, आप सभी का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से और श्रम मंत्री का दायित्व होने के नाते श्रम मंत्रालय की तरफ से मेरी ओर से और मेरी राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी की तरफ से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने मंत्रालय के कामकाज को संभाला और ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहले हमने समीक्षा की। पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आज ग्रामीण विकास विभाग की पहली समीक्षा बैठक हुई। केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं में प्रदेश ने अद्भुत काम किया है। पटेल ने कहा है कि समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश के आदिवासियों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे। मुझे गर्व के साथ ये बताने में खुशी हो रही है कि जो योजनाएं भारत सरकार ने अमृत काल के दौरान दी थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने, खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। अमृत सरोवर में देश में नंबर एक का स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है और हमने 5,936 अमृत सरोवर बनाकर देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। जो दूसरा पुष्कर धरोहर है ये भी तालाबों पर जल संसाधन के लिए किया हुआ कार्य है। इसमें लगभग 34,900 काम राज्य के भीतर हुए हैं। ये पुराने तालाबों को सुधारने के लिए था। कैच द रेन जो प्रधानमंत्री का मिशन था, जिनने आह्वान किया था कि हमें एक एक बूंद पानी बचाना चाहिए, उसमें चाहे खेत तालाब हो, चाहे प्लांटेशन का काम हो, चाहे छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार हो या स्टाफ डैम का काम हो, इन चारों क्षेत्रों में लगभग 7 लाख कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना की भी बात की थी, लेकिन उसमें चूंकि सीमित ब्लॉक है, सीमित जिले और सीमित ब्लॉक है, और इसलिए ये जो कैच द रेन का काम है ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो मनरेगा की मजदूरी का लक्ष्य हमको दिया गया था उसमें 75% मानव दिवस की कार्य क्षमता हमने अर्जित की है। इस बात को ही लेकर मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर अपना स्थान रखता है। दूसरी बात जो तात्कालिक रूप से अभी होने वाली है, जिस पर मंत्रालय गर्व करता है, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, इसमें सहरिया, बैगा और भारिया, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान देना और 100 की आबादी में भी अगर वो रहते हैं तो उन तक सड़कें पहुंचाना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गुणवत्ता की सड़कें पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। फर्क यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपये मिलते हैं, साथ में शौचालय का पैसा अलग से मिलता है, मनरेगा का की मजदूरी मिलती है, लेकिन इसमें 2 लाख रुपया प्रति परिवार मिलेंगे, शौचालय का प्रावधान अलग से होगा और मनरेगा की राशि इसमें मिलेगी। अभी तक
आदिम जाति विकास मंत्रालय की सूची में 16 राज्यों का उल्लेख था, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण में ये जिले 22 हैं। और ये अनुशंसा भी हमने की है कि हम इसका पुनर्सर्वेक्षण करके इस काम को तेजी के साथ पूरा करेंगे। अन्य और भी काम है जिनका उल्लेख हम 100 दिन के रोड मैप के तहत आपके बीच में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लेकर आएंगे। हमने 100 दिन का रोड मैप बनाने का फैसला किया है और 100 दिन में हम जो काम कर सकते हैं या करेंगे, हम अगली पत्रकार वार्ता में आपको इस बात की भी चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। जो श्रम मंत्रालय के दो महत्वपूर्ण काम मुझे लगे कि आपकी जानकारी में आज के दिन होना चाहिए कि लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य और हमने ये तय किया है कि 100 दिन के भीतर जितने भी लंबित प्रकरण हैं वो इस पोर्टल पर आ जाएंगे और कोई भी नया केस वो सीधे पोर्टल पर भी आएगा, वो मैनुअल नहीं होगा। 100 दिन बाद जितने भी लेबर केसेस हैं वो 100% इसी लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर होंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर न्यायालय के निर्णय के कारण अभी DPC में कुछ होने में गतिरोध था और इस कारण से बड़ी रिक्तियाँ श्रम मंत्रालय के उच्च पदों पर हैं, तो ये तय किया है कि पदनाम परिवर्तन द्वारा पदोन्नति से रिक्त पूर्दों की पूर्ति हम अतिशीघ्र कर देंगे। और तीसरा है कौशल विकास प्रशिक्षण, ITI में होता है लेकिन कोर्स के मुताबिक विषय के साथ में अलग से रिफ्रेश करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए मजदूरों को ये कौशल प्रशिक्षण का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमने लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को भी दिया है। इसकी गति को हम बढ़ाएंगे। ये 3 काम मैंने श्रम मंत्रालय के लिए किए। आपको बता दें कि मकान में एक की जगह 2 लाख शौचालय और मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि अलग से मिलेगी। मंत्री पटेल ने बताया कि आज की बैठक के बाद विभाग का 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रम मंत्रालय में लेबर मैनेजमेंट केस पोर्टल पर सभी लंबित प्रकरण दर्ज होने के 100 दिन बाद सभी केस पोर्टल पर ही दर्ज होंगे। श्रम मंत्रालय में जल्द लंबित पदों पर भर्तियां करेंगे। वहीं मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र के जरिए ट्रेनिंग देकर गति बढ़ाने का काम किया जाएगा।